फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फैशन और नीड्स। सो फ्रेंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इजी सा नेल आर्ट। उसके लिए चाहिए आपको ये तीन नेल कलर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना है येलो नेल पेंट से अपने नेल्स का एक कोट, यानी कि एक बार जो हम ब्रश फेरते हैं उस तरह से अपने नेल पर अप्लाई करना है। सारे नेल्स पर अप्लाई कर लीजिए, बट अगर इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, और साइड से जिस तरह से मैंने साफ कराया हैंड टू हैंड कर सकते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो ये वाली जो मिस्टेक है सभी करते हैं, और जब नेल पेंट लगाते हैं तो नेल से हमारी जो स्किन होती है इस पर आ जाती है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली रिमूव कर लेंगे तो जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारे अपने नेल्स पर एक एक बार कोट कर लिया है येलो कलर से। येलो कलर हमने इसलिए लिया है कि जो येलो कलर है वो अंडरग्राउंड में रहेगा तो वाइब्रेंट लगेगा और अच्छा लुक आएगा। तो हमें अपने पहले सिंपल जो हम एक बार नेल कोट करते हैं उस तरह से उस कलर से करना है। फ्रेंड्स नेल पेंट आप कोई सा भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, ब्रांडेड ले सकते हो, लोकल ले सकते हो, जैसा आप लगाते हो वैसे ही लगा सकते हो। बात हो रही है यहाँ पे नेल आर्ट बनाने की, तो किसी से बन जाएगा, बट यस थोड़ा सा नेल पेंट जो अच्छा क्वालिटी में होना चाहिए ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहे। लाइक अगर आप नेल आर्ट कर रहे हो तो 2 से 3 दिन तो एटलीस्ट चल जाए। तो अब हमने जब सारे नेल पर कोट कर लिया है तो मैंने एक बार और कोट करा है। इस वाले नेल आर्ट के लिए हमें जो नेल पेंट चाहिए वो थोड़ा सा वेट चाहिए। उसके बाद मैंने जो ब्लैक नेल पेंट है उसे डायरेक्टली उसके ब्रश से 3 डॉट बना लिए अपने नेल्स पर डायगनली, और उसके ऊपर ग्रीन कलर से सेम उतने डिस्टेंस पे 3 डॉट बना लिए ग्रीन से। फ्रेंड्स उसके बाद हमें चाहिए सेफ्टी पिन, सभी गर्ल्स के पास इजिली अवेलेबल होती है ये, और हमें चाहिए एक डॉट ग्रीन मिडल में कॉर्नर में। उसके बाद हमें क्या लेना, स्ट्रेच करना है, कॉर्नर पे रखना है और मुझे सेफ्टी पिन से स्ट्रेच करना है, तो आपको बहुत ज्यादा सुंदर सा पतला सा जो लीफ डिजाइन है वो मिल जाएगा अपने नेल्स पे। आई होप आपको आ गया को बनाने, बट अगर जिनसे नहीं आया है उनके लिए एक बार मैं और करके दिखाती हूँ। येलो नेल पेंट से अपना एक जो कोट करें दोबारा से, उसके बाद ग्रीन कलर से सबसे कॉर्नर में एक डॉट बनाए, उसके बाद ब्लैक कलर का नेल पेंट लें उससे 3 डॉट बनाए, छोटी छोटी बना लें डायरेक्टली उसी ब्रश से, कोई अलग से ब्रश लेने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल कम खर्चे जल्दी वाली नेल आर्ट है ये। और उसके बाद ग्रीन कलर से 3 डॉट और बनाएं उनके फेम में, और फिर अपनी सेफ्टी पिन से स्ट्रेच करते हुए लाएं ग्रीन डॉट से ब्लैक फिर ग्रीन पर। तो इस तरह से आपको बहुत सुंदर सा लीफ डिजाइन मिल जाएगा, सुंदर सा प्यारा सा, और अगर आपके नेल्स छोटे हैं तो भी उस पर अच्छा लगेगा। जिनसे अभी तक बनाने नहीं आया तो उनके लिए एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार सबको आ जाएगा। ग्रीन कलर से डॉट बनाने हैं आपको 3, अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि आपको आ गया है थोड़ा बहुत, तो 3 डॉट ब्लैक से बना लो, और सेफ्टी पिन लेके कोने से लेके बाहर तक आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच करते जाओ, लीफ डिजाइन मिल जाएगा इजीली आपको अपने नेल्स पर। अब जिनसे नेल पेंट नहीं भी लगाने आती है ना इस वाले स्टेप में, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नेल आर्ट बनाना है। ग्रीन डॉट ब्लैक डॉट और फिर सेफ्टी पिन से आपको करना है स्ट्रेच। इतना सिंपल, इतना इजी सा है, 5 मिनट से भी कम टाइम में आपकी नेल आर्ट बन जाएगी और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखा रही हूँ, अगर आपको सेफ्टी पिन से नहीं करना, आपको निडल से करना है, तो आपको जो मैंने दूसरे वाले जो नेल दिखाया है उस तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा। जो लीफ का जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा ब्रॉड आएगा तो अलग सा कुछ लुक मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको सेफ्टी पिन से करना है या फिर निडल से करना है। नेल मेरा टूट गए थे तो इसलिए मेरे दूसरे वाले हैंड के जो नेल हैं वो थोड़े छोटे हैं, तो आप देख सकते हो किस तरह से शॉर्ट नेल्स पर भी अच्छा लग रहा है ये और लॉन्ग नेल्स पर भी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना, और ट्राई करके मेरे को बताना जरूर कि आपको ये नेल आर्ट कैसी लगी और आपसे बनी है या फिर नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।